हाँ ये देखिए, इसको ये जरा फुल स्क्रीन करिए, इसको जरा फुल स्क्रीन करिए। अब ये फोर्थ डे है, ठीक है ना भाई, फोर्थ डे है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी विराट ने, बेहतरीन मतलब माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग। बट 44 नॉट आउट पे फोर्थ डे को जा रहे हो, जब 250 से ज्यादा रन पड़े हुए चेस दो सौ करने के, अस्सी 280 से दो सौ अस्सी ज्यादा, रन 283 के आसपास थे चेस करने के लिए, वहां तुम ये दुआ है मेरी रब से, तुझे तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, वाह 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 मेरी आशिकी पसंद आए। जब ये वहां पे भाई 44, पहले तो क्या होता था 100 बना लिया, अब जैसे बाकी भी तस्वीरें दिखाओ, जैसे आरसीबी वाले में हो गया कि 100 बना के कर दिया, फ्लाइंग किस हो गई, या वहां पे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया खाना खाया कि कि ये नहीं लो, खाया। हाँ कि इस तरह आशिकी का। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल अपने प्यार का इजहार करें, आप उसको वहां पे जितना मर्जी अपना जो है बिल्कुल अपना लवी डवी टाइप रहे और अप्रिसिएशन दिखाएं, अच्छी बात है, लड़कों को प्रेम। सीखना चाहिए ये। बट अब ये देखिए आप, ये आरसीबी के लिए है, आगे चले जाइए दूसरी फोटो दिखाते, मतलब ये एक चलन चले आ रहा है जो चलन। बहुत अच्छा चलन है। बट ये पहले जो है कुछ माइलस्टोन पे होता था, अब जैसे ये है ना 2016 दो का हजार मेरे ख्याल सोलह से, अब ये 100 बना के या तब होता था, अब 44 में शुरू हो गया। अब आप देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप अंडर पहली बार बनाने के बाद अंडर, है अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उस पे आइए, क्या कहते हैं, जो पहली तस्वीर थी डब्ल्यूडीसी वाली, डब्ल्यूडीसी। भाई यार इतनी आपने अच्छी बैटिंग करी है, दिन खत्म हो गया, मान लिया आप 44 नॉट आउट पे खेल रहे हैं ना, ये 44 नॉट आउट पे, अब ये 44 नॉट आउट पे हेलमेटों के ऊपर ऊपर से फ्लाइंग केस का क्या मतलब बन रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आई। ना तो आपने खत्म करा था मैच, है ना, ना कोई 100 बन गया था, 50 भी नहीं बना कोई हुआ, और बाद में आप 50 भी नहीं बना देखो हुआ, टीम आपकी फंसी हुई है, आपके मेरे ख्याल 3 पचास आउट बना भी नहीं पाए बाद में। एक रन पहले ही वो उनका एक रन पहले विकेट आउट 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 हो हुए गए, हुए उस टाइम तीन पे, है आउट हो ना, चुके तीन थे। आउट हो गए आपके। अब 3 आउट होने के बाद आप जो है 283 जैसा पहाड़ जैसा टोटल है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, या आपकी प्रायोरिटी यही हुई कि भाई मैं अनुष्का के सामने सबसे पहले अपना लव का इजहार, अब तो भाई कोई प्यार का। उसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छी आपकी जोड़ी है, भगवान सलामत रहे। बट मैं ये बोल रहा हूँ 10 साल से कुछ जीते नहीं है, और इसका स्टैंडर्ड जो है पहले तो शतक बनाने पे, अब 44 में हेलमेटों को बाहर से, क्या हो रहा है फिफ्टी भाई, से भी नीचे आ गया क्या हो रहा है भाई। ना। और ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि मतलब विराट कोहली का जो एवरेज है हाल फिलहाल में, अगर इधर 3 सालों की बात करें तो 50 से नीचे आ गया है, हाँ 49 या 48 के अराउंड 48 48 तक आ एवरेज गया, पहुंच पहले गया। 49 पे गिरा, फिर बिल्कुल 48, टेस्ट मैचेस में बुरे टेस्ट हाल है, मैचेस। वो 180 नहीं आता तो और बुरे हालांकि हाल आप अगर होते। इंडिया में इस तरीके के गड्ढे पिचेस बनाओगे जहां पर हाँ दूसरे बल्लेबाज अगर इतने स्ट्रगल अपने भी करते काम हैं कर तो लेते अपने भी हैं, करेंगे वहां नहीं पे। और 100% करेंगे, लेकिन मैं बस ये देख के हैरान हूं कि इतना किलर इंस्टिंक्ट जिस आदमी में है, और वाह। विराट कोहली से बड़ा तो प्लेयर ही नहीं है पिछले 10 साल में ना, 10 साल में क्या हो सकता है, कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आज तक ऐसा बैटर तो आया नहीं है जो इतना कंसिस्टेंट हो, बट इतनी क्या जल्दी पड़ रही है भाई। आपने आरसीबी के गेम में भी जो दूसरा शतक बनाया था, वहां पे भी शतक बना के सेलिब्रेट नहीं करा था, कि अभी यहां जॉब पे, हाफ डन हुई है, अभी पूरी यहां पे नहीं आप 44 हुई। बना के, और वहां से पता नहीं कुछ पत्रकार जो मतलब लिख रहे हैं कि कोई प्लेयर कोई और होटल में था और उसने टीम को ज्वाइन किया 2 दिन पहले या पता नहीं 1 दिन पहले, और वो फैमिली के साथ दूसरे होटल में, अब पता नहीं किसके तरफ इशारा था, बट ज्यादातर उनका इशारा विराट की तरफ ही होता नहीं वो है, लग भी रहा था जब लेकिन बातें आ रही ज्यादातर थी उस उनकी समय। बातें विराट की तरफ ही होती है। बट उसमें भी ना जाके मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की डेट में यार 44 पे तो ना करो ना यार, 44 पे चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है, पूरी दुनिया को स्पेशली इंडियंस को पाकिस्तानी को सबसे सबको आपसे ही उम्मीद है ना, क्योंकि पाकिस्तान किलर आप रहे हैं, पाकिस्तान सारे जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा अच्छे बैटर हैं, वो भी आपको इतनी इज्जत देते हैं, पाकिस्तान किलर रहे तो आप, आप ऑस्ट्रेलिया फोर्टी किलर फोर हैं, ऑस्ट्रेलिया किलर भी ऑस्ट्रेलिया आप का हैं, किलर आप है। 44 नॉट आउट बना के चौथे दिन का खेल खत्म हो रहा है, जहां इंडिया ऐसे गड्ढे में है जहां से निकाल सकता है कोई तो आप ही निकाल सकते हैं, उसमें जरा पहली तस्वीर फिर से दिखाना, मतलब हेलमेट उतार के समझ में आती है, बट हेलमेट भी कैसे उतारे, जब 100 थोड़ी हो गए कि हेलमेट उतार दें, या 50 थोड़ी हुआ है, वहां पे प्रायोरिटी ये है कि नहीं मैं स्टैंड में पहले फ्लाइंग किस, भाई ये जो बातें हैं तब समझ में आती हैं जब मैच आपने जिता दिया, गेम डे का एंड हुआ है, प्रायोरिटीज आपकी कहाँ है ये नहीं समझ में आ रही, ये समझ में नहीं आ रही। तो मुझे इस पे उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था, ये नहीं कि आज बोल रहा हूं, उस टाइम जब हुआ था मैंने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा उस दूसरी दिन बात ओवर ये, कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे जब बैटिंग करने आए ना, पांचवें दिन जब वहां पे हाँ हंसी पांचवें मजाक दिन चल में रही थी हंसी मजाक चल बाहर रहा था। अच्छा एक बहुत और चीज है, ज्यादा। मैं वो भूल गया आपको निकालना, इतने सारे निकालिएगा, जो मोटिवेशनल कोट्स इन्होंने डाले हैं, अब एक तो ये चल रहा है, हाँ ऊपर से भाई कोई क्या, ठीक है आप बाबाओं की
गुफाओं में जा रहे हैं, बाबाओं से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, स्पिरिचुअल होना चाहिए, बट टेस्ट मैच चल रहा है, चौथे दिन भी आप मोटिवेशनल कोट डाल रहे हैं, वो पता नहीं क्या था कि नहीं वो, किसी को सैक्रिफाइस इज द नहीं साइलेंस इज द अल्टीमेट वो तो साइलेंस वाला तो लास्ट नहीं पांचवें दिन के आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी चौथे दिन में था जाना नहीं चौथे दिन में था कि आप दूसरों को अपने आप को इफेक्ट ना करना आपने सत्संग करवाना है मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये ठीक है भाई टेस्ट मैच चल रहा है पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि आप बैटिंग कर लें वहां पे देखिए ये तो आपने मैच हारने के बाद पांचवें दिन के बाद साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ भाई अब तो आप मैच हार के तो चुप ही हो गए ना फिर उसके बाद आप दिखा दीजिए चौथे दिन के बाद भी डाला मैं हैरान हूं चलो मैच खत्म हो गया समझ में आ रही है भाई जब मैच चल रहा है चौथे दिन आप पहले तो वहां पे ऐसा कर रहे जैसे सेंचुरी आ गई है ना ऊपर से दूसरी बात यह है कि आप वहां इंस्टाग्राम मोटिवेशनल कोट भाई ये आपके फोकस होना चाहिए जो पहले कोहली का फोकस सिर्फ होता था भाई मारूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया को हराऊंगा मैं पाकिस्तान को हराऊंगा मैं टूर्नामेंट जिताऊंगा मैं मैच जिताऊंगा मैं उस पे फोकस यहां पे रोज मोटिवेशनल कोट तो ये मोटिवेशनल कोट्स जो हो रहे हैं जो चौथे दिन पे नहीं मैंने भेज दिया फिर भी मुझे समझ में आ रहा है पांचवें दिन जब मैच खत्म हो गया फिर भी समझ में आती है चौथे दिन पे फ्लाइंग किस और बड़ा कॉन्फिडेंस और पांचवें दिन पे डांस वगैरह वार्म अप में चलो ठीक है आप मतलब लाइट रहना चाहते हो बट हंसी मजाक बिल्कुल आने से पहले इतना भी ज्यादा कैजुअल नहीं देखा था और पांचवें दिन पे रन कितने बने 5 44 नॉट आउट 49 होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ी महीन सी रेखा होती है तो वो ऐसा लगा था कि वो पांचवें दिन जो बल्लेबाजी कर रहे थे जब वो आए थे बहुत ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा लग रहा था कि अब जैसे सातवें आठवें स्टंप की बॉल को ये चौथे दिन पे ये डाल दिया यू मस्ट डेवलप एबिलिटी टू बी डिसलाइक्ड इन ऑर्डर टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम प्रिजन ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन भाई आपको क्या कौन क्या कह रहा है उस टाइम पे आप जब 44 नॉट आउट पे आप सोचो कल मैं क्या करूंगा है ना आपको कौन बता सकता है इससे बेटर यार आप तो टेस्ट मैच में चेज में जब पूरी सौरभ गांगुली जिन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया पहली बार उन तक ने बोल दिया था कि अगर ये स्कोर चेज होगा तो एक ही आदमी कर सकता है वो है विराट कोहली आप वहां पे डेवलप द एबिलिटी टू डिसलाइक और मतलब आपके दिल में कुछ ना कुछ लगा हुआ है जो रोज रोज ये निकल रहा है तो इसको भाई आप या तो साइड पे रखो या इसका कुछ इलाज करो मतलब इलाज इन द सेंस कि आप इस पे वर्किंग करो योगा करो जो भी मर्जी करो बट टेस्ट मैच चलते हुए टेस्ट मैच के बीच में अगर आप मोटिवेशनल कोट और इतना रिलैक्स और फ्लाइंग किसेस और ये वो तो फिर तो बंटाधार होगा ही पर ये आप तो बंटाधार होगा ही हर किसी ने अब अपनी स्टोरीज पे इस तरीके के कोट्स डालने का ना अब चलन हो गया है सिराज ने भी डाला शुभमन गिल ने भी वो जो आउट हुए उसके बाद शुभमन गिल ने भी वो कोट डालने शुरू कर दिए हर कोई आप वो दिखाइए ना आप वो दिखाइए जो फ्लाइंग किस वाला था वो दिखाइए करंदार जी की सुपरचैट आ गई सुपरचैट ले रहे करंदार जी आपकी बिल्कुल लेंगे फ्लाइंग केस वाला दिखा दीजिए जरा अभी देखिए आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर इसमें दिल का मेरे दिल का मेरे दिल का क्या कसूर इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई एंजॉय करो देखो जीतना अब 10 साल से तो नहीं जीते अब पता नहीं आगे जीतोगे कब जीतोगे नहीं जीतोगे क्या होगा जो मर्जी हो हमने तो भाई देखो हम पहले रिलैक्स बैठे हो उम्मीदें बढ़ाओगे अपना खून नहीं उम्मीदें तो रखेंगे उस टाइम पे फिर से पारा चढ़ जाएगा उम्मीदें तो हैं मगर जब ये एंजॉयमेंट हो रही है पूरी दुनिया में मतलब कि आप देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है अब ठीक है फैमिली को टाइम देना चाहिए खेल रहे हो जब भाई मैच खत्म नहीं हुआ उसके बीच में और आप ठीक है मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज अच्छा है वैसे लड़कों के लिए कि यू नो अपनी वाइफ्स हो गर्लफ्रेंड्स हो जो भी है रिस्पेक्ट करना चाहिए लव करना चाहिए और दिखाना भी चाहिए यू नो अच्छा लगता है बट थोड़ा सा मैच के ऊपर भी ध्यान दे देना चाहिए मोटिवेशनल कोट और ये वो हालांकि मुझे अनुष्का ने मैंने बहुत पहले उनसे ये पूछा था जब ऑस्ट्रेलिया में वो आई थी अच्छा बाय द वे ये नहीं समझ में मुझे आती हरवाते ये हैं और ट्रोल ये होती हैं मतलब हरवाते विराट कोहली रोहित शर्मा है ट्रोल हो रही है रितिका अनुष्का क्या है यार तुम्हारी अकल घुटनों में है क्या क्या कर रहे हो भाई तुम लोग ये मेंटालिटी है मतलब चीप मेंटालिटी कह सकते हैं इसको कि मतलब कभी भी कोई भी टीम हारती है आप उसके प्लेयर के पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं वो खेल रहे हैं या ये अपना अनुष्का वहां पे पैड और बैट लेके आ रहे हैं सही बात है डिस्ट्रैक्शन बोल रहा हूं मैं डिस्ट्रैक्शन बकवास ये बकवास की बात है बट ये जरूर है कि थोड़ा सा भाई प्लीज हमारे भी जज्बातों से ना खेलो अगर 44 नॉट आउट है तब तो थोड़ा सा लगता है कि फोकस आए वो आग दिखे आंखों में जो पहले दिखती थी वहां पे फ्लाइंग किस और ये आराम कैजुअल और हंसी मजाक नहीं भाई नहीं चलता